बच्चों के मन च उन्होंने पेरेंट्स के मन च ते कंसल्टेंट के दिमाग च बहुत ज़्यादा भरम भुलेखे ने डेली बेसिस से बदलाव आ रहे हैं। बट खुशी की खबर दसा अज की वीडियो खुशी की खबर देगी वो छिड़िया जाम वाले बच्चे की। असैसमेंट ईयर चेंज हो चुके जिथे ऑफ लैटर डिले हो रही थी सी ओ डिले हो रही थी या जी टी की अप्रूवल होने डिले हो रही थी वो हूँ एप्पल पटाके पैने शुरू हो चुके थोड़े थोड़े। सत श्री अकाल जी सारों को मैं थोड़ा अपना सुखचैन राही आरएस ग्लोबल इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम राही ढेर सारिया जानकारियां सांझियां करने की कोशिश करती है। हर रोज़ एक नवा टॉपिक हर रोज़ एक नवी रिसर्च हर रोज़ एक नवी वीडियो सिर्फ इस करके बनाई जी ताकि मोबाइल के राही थोड़े घर च आ के तुहानू अपडेट किया जा सके सियाणा किया जा सके। जे वीडियो देखते हो बड़ा धन्यवाद अगे शेयर कर दियो होर ज़्यादा धन्यवाद। उम्मीद करदा कि वीडियो किसी ना किसी बच्चे की जिंदगी कोई ना कोई बदलाव जरूर लैके आएगी। अज आस्ट्रेलिया बारे गल करनी है क्योंकि आस्ट्रेलिया नू लैके काफ़ी ज़्यादा अफवाहों का बाजार गर्म है बच्चों के मन च उन्होंने पेरेंट्स के मन च ते कंसल्टेंट के दिमाग च बहुत ज़्यादा भरम भुलेखे ने शायद वीडियो जो कंसल्टेंट भरा वेखे उधर ही फायदेमंद हो सकती है बच्चे लिए तो होएगी होएगी। आस्ट्रेलिया दे विच काफ़ी रिसर्च मैं और मेरी टीम कर रहे क्योंकि साडा आस्ट्रेलिया मेलबर्न च ऑफिस है उत्थे डेली बेसिस से मेरी उत्थे जो टीम मैंबर्स नाल गल हुंदी है तकरीबन रोज़ की एक घंटे तो लैके डेढ़ दो घंटे की साडी वीडियो कॉल अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नाल हुंदी है सनैरियो चैक करन दी जानन दी परखन दी कोशिश की जाती है कि आस्ट्रेलिया च डिले क्यों हो रही है। तुसीं केस आर एस ग्लोबल तो लाया या ए बी सी ग्लोबल तो लाया हायर एजुकेशन च डिले तो हो रही है डेली बेसिस से बदलाव आ रहे हैं। बट खुशी की खबर दसा अज की वीडियो खुशी की खबर देगी आस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे की। तकरीबन पिछले 8-10 दिन की रिसर्च तो बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो आने वाला समय अप्रैल की गल करा या मई की गल करा चंगियां खबर चंगियां हवावं आस्ट्रेलिया वाले बच्चों तो होनगियां क्यों होनगियां क्योंकि असैसमेंट ईयर चेंज हो चुके जिथे ऑफ लैटर डिले हो रही थी सी ओ डिले हो रही थी या जी टी की अप्रूवल होने डिले हो रही थी वो हूँ एप्पल पटाके पैने शुरू हो चुके थोड़े थोड़े। तो तुम वेखे होने थोड़े दिनों बहुत सारिया कंपनियों वालों वीजे भी दिखाए जाएंगे ऑफर्स भी दिखाई जाएगियाँ तो जिथे केस अड़िया सी वह अगे भी निकलेगा। कारण की है क्योंकि तो जी एक स्टक होया पाया सी काम 31 मार्च करके अज अप्रैल हुण आना शुरू हो चुका साड़ी आप दी काफ़ी बच्चों दी ऑफर्स पेंडिंग सी ऑफर आई पिछले हफ्ते जी टी क्लीयरस पेंडिंग सी सी ओ इज़ पेंडिंग सी एक दिन तकरीबन 18 तो उपर तो सी ओ इज़ आई साडे बच्चों दियाँ। सो किसी भी कंसल्टेंट तो फाइल अप्लाई की है पेशेंस रखने की जरूर लड़ है। मैं नहीं कहता कि फलाना एजेंट माड़ा जो को चक के पेपर मेरे को लिया जिथे बैठे हो जिथे केस लाया एक बार इस गल का ख्याल जरूर रख लो कि मेरी फाइल सही हत्थ च है। प्लस टू 2021 पास आउट 65% नंबर आयल्स ओवरऑल 6 बैंड कोई घबराने की लड़ नहीं अगर फंड डॉकूमेंट सब जैन्यून वीज़ा जरूर आएगा। काफ़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज गल होने बाद एको गल नतीजा निकलिया वीज़े आने जरूर आने बट फेक डॉकूमेंट जाली पेपर इन्ह चीज़ों तो बचा जाए जो फरवरी हरियाणे के कंसल्टेंट वालों किया गया जिहदा खमियाजा अच्छ हरियाणा भी भुगत रहा पंजाब का बच्चा भी भुगत रहा रब का वास्ता हाथ जोड़ के बेनती तुहानू सारयां जे शो वेख रहे हो उन्हां तमाम दोस्तों तक भैणां भरावां तक जरूर पहुँचाओ जिहड़े बच्चे आस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाह रहे हैं और कंसल्टेंट भरा तक भी वीडियो पहुँचाओ भी थोड़ा खा लीए बहुता खाने के चक्कर थोड़ा भी ना गवाईए फेक पेपर डोजी डॉकूमेंट्स इदां दे मतलब जुगाड़ करन तो बचिए। वीज़ा मिलेगा 100% मिलेगा बट बशर्ते तुहाडे पेपरां च कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। प्लस टू 21 पास आउट 6 बैंड वाला बच्चों कोई घबराने की लड़ नहीं जोड़ा 20 पास आउट है तुहाडे कोल जस्टिफिकेशन के प्रूफ है। बहुत सारे नवे कॉलेज साड़ी पोर्टल पर आए हैं चाहे लैवल 1 की गल करा लैवल 2 की गल करा बहुत सारे कॉलेज डिग्रीज़ प्रोग्राम सानू नवे मिले ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी डी टू डी नवे प्रोग्राम जिहड़े 2020 पढ़े बच्चे लिए ऑप्शन आई है 5.5 बैंड अगर पढ़े तुहाडे आयल्स विचों हैगे ने डिप्लोमा क्लास में वैट सैक्शन भी वीज़े की उम्मीद होर जागी जिथे पहला सक्सैस रेट 31 मार्च तो पहला इंडिया का 39% तक रह गया। उम्मीद की जा रही जो मेरी अपनी रिसर्च जो मेरा अपना दिमाग है अपना तजर्बा कहता है वो 39% वध के तकरीबन 60-70% तक जरूर जाएगा। सो डिप्लोमा क्लास में वीज़ा अप्लाई करो बट फेक डॉकूमेंट लाने तो जरूर बचो। सो ग्रैजुएशन की है स्पाउस नाल जाना चाहता स्पाउस ग्रैजुएट होना चाहिए विआह 1 साल पुराना होना चाहिए
नंबर तुहाडे 60% ग्रैजुएशन चो चाहिए, आयल्स 6.5 बैंड चाहिए। सो वैसे भी असी जिहड़ा चिट चैट विद सुखचैन राही करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल शेयर करने की कोशिश करते हैं। सो जिहड़े बच्चों के रिजल्ट रुके पए सी, चाहे फाइल अंबैसी सी रिजल्ट नहीं आया, चाहे ऑफ लैटर नहीं आ रही सी, चाहे जी टी नहीं क्लीयर हो पा रहा सी, जिथे सी ओ नहीं आ पा रही सी, जिथे 15 दिन का काम से तकरीबन 1.5 महीने तक जी टी नहीं क्लीयर होया चंगिया यूनीवर्सिटीज़ का, और ये वाकई सच्चाई है। सो अज उन्हां बच्चों लिए वीडियो खुशी की खबर देगी, पॉजिटिव हुंगारा देगी, घबराने की लोड़ नहीं, डटे रहो मैदान दे विच, पिछे मुड़ के वेखन की लोड़ नहीं, अगर तुसी सही है तो मंजिल जरूर मिलेगी। डरना उस बंदे नूं चाहिए जिहड़े मन च चोर आ, मन च पाप है। अगर तुहाडे डॉक्यूमेंट जैनुइन आ, तुहाडे कंसल्टेंट ने तुहाडी सही तरीके फाइल लगाई आ, वीज़ा जरूर लगेगा, मेरी सच्चे पातशाह अरदास है। सो बी पॉजिटिव, आस्ट्रेलिया के रिजल्ट बड़े वधिया सुखावे होणगे। सो कुछ चंगा हो गया, पुराना झाड़ू फेर के गंद एक पासे निकल गया। जिहड़े बच्चे फेक डॉक्यूमेंट वाले सी, 2017, 2016, 2018 वाले ने अप्लाई किया, उन्होंने मेरी हाथ बिन के बेनती है कि कोई होर कंट्री अप्लाई करो, क्योंकि आस्ट्रेलिया सिर्फ रीसेंट पास आउट नूं वीज़ा मिलना। ग्रैजुएशन की है, पढ़ाई भावें 5-6 साल का गैप है, चाहे 10 साल का गैप है, पर तेरे को गैप के जॉब के जैनुइन प्रूफ ने, सैलरी तुहाडी अकाउंट च आ रही है, सैलरी की स्टेटमेंट नाल लगा रहे हो, दुनिया की कोई ताकत वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आयल 6.5 बैंड लै लो, वीज़ा लग जाएगा। बहुत सारिया प्रोफाइल एकदम इदा दुनू मिलती हैं। अब चिट चैट भी गल की, स्टूडेंट ने पढ़ाई तो बाद टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया, 6 बैंड या 6.5 बैंड है। सो अगर बी एड की टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, 6.5 की नहीं। सो बहुत सारिया टीचिंग प्रोफाइल की गल करा या नर्सिंग प्रोफाइल की गल करा, आस्ट्रेलिया बड़ा टैक्नीकैलिटी के नाल चलता है, कैनेडा वांगू नहीं है। ऑफ लैटर मंगाई, फीस भर के एलओ ले लिया, जी ए सी करा के 4 पेज भर के फॉर्म अंबैसी लाता, तो वीज़ा आ गया। आस्ट्रेलिया और यूके उही कंसल्टेंट के वस की गल है, जिद को पुराना तजर्बा है, चंगिया सक्सैस स्टोरी क्रिएट करके ऑलरेडी 10 साल तो इंडस्ट्री दिखा चुके हैं, और आपकी बैकग्राउंड उस मुल्क ना जुड़ी है। सो आर एस गोबल की गल करिए, यूके तो मेरी खुद की एजुकेशन जुड़ी है, आस्ट्रेलिया की गल करिए मेलबर्न खुद के इमीग्रेशन लॉयर टीम बैठी है। सो यहोजी टैक्नीकल चीज़ ही स्टूडेंट नू प्रोफाइल नू ऑफर लैटर तो लैके वीज़े तक ही नहीं, फर्दर PR तक की बांह फड़ सकते। सो जो भी यूके या आस्ट्रेलिया किसी कंसल्टेंट चोन करनी है, ध्यान रखना वह 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चैक करना। सो अप्रैल तो बाद बड़ी वधिया खबर सुनने मिलनगियां आस्ट्रेलिया दी। वीडियो नू दोस्तों तक, लोगों तक, भैन भरावों तक जरूर शेयर करो, जिहड़े आस्ट्रेलिया पास कितना ना कितने नैगेटिव होए फिरदे सी। एक नवी वीडियो लैके फिर तुहाडे रूबरू होऊंगा, तद तक जिउंदे वास्ते रब रखा, सत श्री अकाल जी।